ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपकी ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपको लोग नहीं समझते हैं, आपको समझने में लोग बहुत देर कर देते हैं, आपको ओवरऑल तो लोग समझते ही नहीं हैं। इस वजह से आप बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि आप किसी व्यक्ति के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतनी मदद करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, और वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझते हैं। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा कई बार होता है आपके साथ, और आप इस विषय को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि कोई हमें क्यों नहीं समझता, ऐसा क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और चीज़ें कैसे बेहतर है। तो आज आपकी ये जो परेशानी है ना दोस्तों, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। शर्त एक है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देख लेना, ताकि आप अपनी समस्या को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और आप अपने जीवन में वो बदलाव देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कौन सा है, इस वीडियो को पूरा देखकर समझकर आप अपने लाइफ में नहीं समझने वाली जितनी सारी तकलीफें परेशानी, इनसे बाहर आ जाएंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा भी है आपके साथ। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। जो भी हमसे सकारात्मक मदद होगी जरूर आपकी करेंगे। सबसे पहला आपके साथ एक परेशानी का विषय होता है कि आप अपने मन की बात हर एक व्यक्ति के साथ साझा कर देते हैं कि जो भी मन में, तो लोग उसको एक अलग वे में लेते हैं। और ऐसा होना जो प्रभाव होता है वो चंद्र की वजह से होता है। जब भी किसी व्यक्ति का चंद्र खराब होता है या चंद्र अच्छे स्थान पर नहीं बैठा होता है, तो चंद्र यही व्यक्ति के साथ स्वभाव करता है कि जो वो महसूस करता है उसे वो एक्सप्रेस कर देता है। ऐसा हर इंसान करता है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत सी चीज़ें जो हैं जो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए वो भी साझा कर देते हैं, वो भी बता देते हैं, और उस वजह से परेशानियाँ बढ़ जाती है। ये सबसे पहला रीज़न है, इसे थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लें। दूसरा रीज़न है कि आप जिस व्यक्ति को जैसा समझ रहे हैं वो वैसा है नहीं। ये गलतफहमी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप चंद्र की यहाँ भी होती है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, और मन जब किसी व्यक्ति को जो चीज़ें आप समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान जो हमारे पास है, वही चंद्र है, क्योंकि वो कम और ज़्यादा ज़रूर होता है। ज्ञान भी कम और ज़्यादा हो सकता है, स्थिति, वातावरण, हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति को जो आपकी समझ है उसको बहुत गंभीरता से समझना है आपको, क्योंकि आप जितनी जल्दी उस पर यकीन या विश्वास कर लेंगे आपके साथ छल कपट धोखा अवश्य होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण है, आप गुरु मंत्र का जप करें ताकि कभी भी ये छल कपट और धोखा आपके साथ नहीं होगा दोस्तों। तो ये तीन है, बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर विस्तार पूर्वक हमसे अपने बारे में और जो भी प्रश्न हो आपके उत्तर जान सकते हैं निजी तौर पर, तो वो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।